हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एम्फेसिस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में आज हमने 2% का जंप देखा है। नॉट ओनली टुडे, लास्ट फ्यू डेज से स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग भी है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 एक्स हाई को देखे हुए 3659 एंड 52 एक्स लो 1281। स्टॉक में हमने 52 एक्स हाई टच करने के बाद जो अब रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब रहे एंड वहां से स्टॉक ने करेक्शन दिया एंड ये 3200-3100 तक आ गया था। आफ्टर दैट लास्ट वन वीक स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग भी, नीचे ने भी 1% 2% करके स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट कैप को देखें 63,590 करोड़, प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48 का एंड सेक्टर भी 40, बट प्राइस टू अर्निंग वाइज स्टॉक इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। इससे पहले भी स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो 52-53 के करीब था। आफ्टर करेक्शन वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हुए हैं। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो सबसे पहले हम इसको प्रोमोटर्स होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देख ले, तो इसमें प्रोमोटर्स के पास जो स्टेक है वो 55.95 ऑलमोस्ट 56% स्टेक है। FI का 20.85, DI का 17.94 एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है 5.25%, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइक टाटा, इलेक्साई या फिर माइंड्री। सो पोर्टफोलियो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स पैरामीटर्स को देखें, सो टेक्निकल्स पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो RSI एंड MFI इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक के वैल्यूएशन को दिखाते हैं। RSI एंड MFI में 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्कोर है 55.1 एंड 56.5, यानी स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच है, यानी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा है। रिजल्ट के बाद मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था एंड कुछ लोगों ने शायद प्रॉफिट बुकिंग भी किया था, शॉर्ट सेलिंग भी किया था, बट दिसंबर के जो रिजल्ट आएंगे सारे IT कंपनीज के वो और भी शानदार रहेंगे एंड इसीलिए लोग अभी से पोजिशन भी बना रहे हैं। आने वाले टाइम ये स्टॉक अगर 4000 की तरफ भी चला जाए, आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक इज एम्फेसिस लिमिटेड। एंड अगर रिटर्न देखें 1 वीक का 5.50%, 1 मंथ का 12% ऑलमोस्ट, 3 मंथ का 30%, 6 मंथ का 91%, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। 1 ईयर का 144%, 1 ईयर का 144%, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज इंक्रीज हुआ। इसीलिए स्टॉक जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस मूवमेंट, बट वैल्यूएशन वाइज उतने एग्रेसिव हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जिनका वैल्यूएशन जो है 60 के ऊपर है। सो 48 PE वाले किसी स्टॉक को मैं बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं कहूंगा, बट रिटर्न बहुत ज्यादा है। 3 मंथ में भी 30% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। सो जिन लोगों ने स्टॉक को 3000 के करीब एकुमुलेट किया, 2800 के करीब, वो अच्छे खासे फायदे में। मैं इस स्टॉक को तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब इस स्टॉक ने 2800 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसने 3600 भी बहुत ही जल्द टच किया था। आफ्टर करेक्शन अगेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स हाई साइड। अगर इस स्टॉक के हम 30 डे 50 डे 100 डे 200 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, स्टॉक इज अबव ऑल इट्स सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड यू कैन सी जो 100 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 2800 का लेवल है, जहां से स्टॉक ने बहुत अच्छा रिकवर किया था। एंड 3000 जो 50 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्चुअली इट्स नॉट 3000, इट्स 3100, जहां से भी पिछली बार स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवर किया था। सो आने वाले टाइम में स्टॉक 3500-3600 को अगर ब्रेक करता है तो 4000 के करीब बन जाएगा। 3200-3100-3000 इज अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग सम सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे करीबी अगर आपको स्टॉक पर लगाना है तो 3300 का है एंड आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस 3350-3400-3450, दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 3300 के नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट 3200-3100, दीज आर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लास्ट में अगर इस कंपनी का पीयर्स के साथ भी कंपेयर करें, सो एज यू कैन सी पीयर्स में TCS, इंफोसिस, विप्रो, वी ऑल नो दीज आर द बिग लार्ज कैप, बट अगर हम एम्फेसिस का भी मार्केट कैप देखें तो 62,000-63,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसे हम बहुत छोटा कंपनी तो नहीं कहेंगे। इसका जो मार्केट कैप है वो अच्छा खासा ज्यादा है कंपेयर टू L&T टेक्नोलॉजी, ओरेकल फाइनेंस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ये मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है। वैल्यूएशन जो आज भी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सस्ता है। लुक एट द माइंडट्री, माइंडट्री इज अनदर कंपनी जिसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। माइंडट्री का भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास है, वैल्यूएशन 56 का PE है एंड एम्फेसिस का जो ROCE है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू माइंडट्री 25.20, माइंडट्री का 36.1 एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बढ़िया 40.03। सो एम्फेसिस वन ऑफ द स्टॉक जिसे आप कंसिडर कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। माई बेस्ट पिक इज ऑलवेज जो है वो L&T इंफोटेक है। हालांकि L&T इंफोटेक में आई एम नॉट अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के आसपास है, बट L&T इंफोटेक वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। माइंडट्री, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्फेसिस, दीज ऑल आर माई वन ऑफ द फेवरेट कंपनी। इसी के साथ पर्सिस्टेंट सिस्टम भी मेरे रडार पे हमेशा रहता है। अगर इस कंपनी के हम रिजल्ट को देखें, सो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 341 करोड़ थे
कंपेयर टू जून क्वार्टर 340 करोड़ से, यानी रिजल्ट नॉट बैड, क्योंकि अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखोगे तो मार्च 2020 में 353 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखा था, उसके बाद जो प्रॉफिट का स्टैंडर्ड है वो मोर और लेस इसी पर्टिकुलर रेंज में है। एंड अगर इस कंपनी के हम स्टैंडर्ड लोन फिगर को भी देखें तो 298 करोड़ का प्रॉफिट कंपेयर टू 308, सो प्रॉफिट थोड़े घटे, ऐसा नहीं है बहुत डिसअपॉइंटिंग फिगर है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर सभी इस कंपनी से अच्छे खासे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, बट What happened? That happened. Past is past. आने वाले टाइम में वी होप कि कंपनी जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा एंड स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा। ये था एम्फेसिस को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।